देश भर में जहां गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है, वहीं जिला सोलन में भी आज गणेश उत्सव के रंग में शहरवासी रंगे नजर आए। सोलन में भी कई संस्थानों ने और शहरवासियों ने अपने घर में गणपति स्थापित किए थे और अधिक जगह आज गणपति विसर्जन किया गया। हिंदू धर्म में गणपति उत्सव का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और 11 दिन तक लोग अपने घर में गणेश भगवान की स्थापना कर गणपति से सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते हैं। इसी को लेकर आज सोलन में कई लोग बप्पा को विदाई देने के लिए नाचते गाते गिरी गंगा में भगवान गणेश जी का विसर्जन करने पहुंचे। इस दौरान सोलन बाजार में लोग नाचते गाते बप्पा के जयकारे लगाते हुए नजर आए। सिद्धि विनायक सेवा संगठन द्वारा चुन्नी माता मंदिर परिसर में ये दूसरा गणेश उत्सव मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में सोलन के लोग यहाँ शामिल हुए और गणपति महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करा। गणपति महाराज की सभी सोलन वासियों पर इसी तरह कृपा बनी रहे। आज हमारी 5वें दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आज गणेश जी का विसर्जन किया जाए। बता दें कि 29 अगस्त से पूरे देश में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी और पूरे भारत सहित दुनिया भर में कई जगहों पर बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया गया। इसी के चलते सोलन में भी आज गणेश उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। वहीं इस दौरान शहर धार्मिक रंग में रंगा हुआ नजर आया। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।